हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज की हमारी इस वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं यूवीसी एक्सपोर्ट लिमिटेड आईपीओ के बारे में। इस आईपीओ के रिगार्डिंग हमने एक डिटेल वीडियो भी बना रखी है, जिसमें हमने कंपनी के बारे में बात की थी कि कंपनी क्या काम करती है, कंपनी से रिलेटेड जो भी फाइनेंस थे, केपीआई फैक्टर थे, उन सब के बारे में शॉर्ट डिटेल में बात की थी। फिर इसके जो भी नेगेटिव एंड पॉजिटिव पॉइंट थे, उन सबको हमने कंसिडर किया था। फिर हमने ये कहा था कि जब हम इसके अपडेटेड वीडियो लेकर आएंगे, उसमें हमारा जो फाइनल डिसीजन होगा वो हम लेंगे। तो आज हम वो अपडेटेड वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें हम हमारा फाइनल डिसीजन लेने वाले हैं कि हमें इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। तो अगर अभी तक किसी ने वो डिटेल वीडियो नहीं देखी है, तो मेरा आपको सबसे पहला सजेशन यही है कि सबसे पहले जाके आप वो डिटेल वीडियो देख ले, जिससे आपको कंपनी के बारे में पता चल सके, कंपनी के रिगार्डिंग, आईपीओ के रिगार्डिंग जो भी नेगेटिव एंड पॉजिटिव पॉइंट्स हैं, उन सबको कंसीडर करते हुए आपको एक डिसीजन लेने में हेल्प मिल सके कि आपको इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। तो उस वीडियो का लिंक या तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगी, या फिर आप उसे एंड स्क्रीन पर जाकर भी देख सकते हैं। और अगर आप पहली बार हमारे इस चैनल को विजिट कर रहे हैं, तो सबसे पहले क्या कीजिए, आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी मैं आगे इसी तरह अपडेटेड वीडियो लेकर आऊँ किसी भी आईपीओ के लिए, तो आप उन वीडियो से अपडेटेड रह सके और आपको सही से सही आईपीओ में अप्लाई करने के डिसीजन में हेल्प मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले चलते हैं इस आईपीओ के सब्सक्रिप्शन स्टेटस पे। हमारे पास 2 दिन का डाटा दे रखा है, 21 एंड 22 तारीख का। तो हम लास्ट जो आज करंट डाटा है, अभी जो करंट में सब्सक्रिप्शन स्टेटस क्या चल रहा है, तो जो एनआईए कैटेगरी है उसका अभी फिलहाल चल रहा है 2.33 से ओवर सब्सक्रिप्शन, और जो रिटेल कैटेगरी है वो चल रहा है 15.55 से ओवर सब्सक्रिप्शन। और जैसा कि आईपीओ कल क्लोज होने वाला है, और जो हमने इसके डिटेल वीडियो बनाई थी उसमें हमने फाइनेंस वगैरह केपीआई फैक्टर देखे थे, और जो आगे अपडेटेड जीएमपी हम देखने वाले हैं और मार्केट कंडीशन को देखते हैं, अगर हम इसका अंदाजा लगाए कि आईपीओ का सब्सक्रिप्शन स्टेटस कितना जा सकता है, तो वो जा सकता है 500 के आसपास, जो एक काफी अच्छा सब्सक्रिप्शन हो सकता स्टेटस हो सकता है इस आईपीओ में अप्लाई करने के डिसीजन के लिए। पर जितना ज्यादा इस आईपीओ का सब्सक्रिप्शन स्टेटस होता जाएगा, उतने उतने चांसेस आपके अलॉटमेंट होने के कम होते जाएंगे। चलिए अब बात कर लेते हैं इस आईपीओ के अपडेटेड जीएमपी की। 16 अगस्त तक कोई जीएमपी नहीं था, 17 अगस्त यानी 18 अगस्त को इसका जो जीएमपी चल रहा था वो चल रहा था 23.26%, 19 अगस्त को हो गया 34.88% का, 20 अगस्त को हो गया 69.77% का, 21 अगस्त जब कल आईपीओ ये ओपन हुआ उस समय जो इसका करंट जीएमपी चल रहा था वो चल रहा था 81.4%, एंड आज 22 अगस्त 2024 जब ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही उस समय जो इसका करंट जीएमपी चल रहा है वो चल रहा है 83.72% का। तो अगर हम देखें इन टर्म्स ऑफ अमाउंट में प्रॉफिट की बात करें, कि अगर हम इस आईपीओ में इन्वेस्ट करते हैं और ये आईपीओ इसी जीएमपी के आसपास मार्केट में लिस्टेड होता है, तो हमें कितने अमाउंट तक का प्रॉफिट होने के चांसेस होंगे। तो जैसा कि इन्वेस्टमेंट अमाउंट है 1,37,600 का, और अगर इसमें हम जीएमपी ऐड करते हैं 83.72%, तो हमें लगभग 1,15,000 के आसपास का प्रॉफिट होने के चांसेस होंगे, अगर ये आईपीओ इसी जीएमपी के आसपास मार्केट में लिस्टेड होता है तो। तो चलिए अब हम हमारा फाइनल डिसीजन ले लेते हैं कि हमें इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। तो जब हमने इसकी डिटेल वीडियो बनाई थी, उसमें हमने जो इसके फाइनेंस देखे थे, उसमें रेवेन्यू, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ये सब क्या थे, लगातार हर साल इंक्रीजिंग में थे। एंड इसके साथ साथ जो हमने इसके केपीआई फैक्टर देखे थे, केपीआई फैक्टर में था रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड एंड रिटर्न ऑन नेटवर्थ। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और रिटर्न ऑन नेटवर्थ तो 15 से ज्यादा थे, पर जो रिटर्न ऑन इक्विटी था वो था 15% से कम, 7% के आसपास रिटर्न ऑन इक्विटी था, तो वो हमारे लिए क्या था, एक नेगेटिव पॉइंट था। इसके साथ साथ एक नेगेटिव पॉइंट ये था कि जो डेट टू इक्विटी रेशियो है वो 1 से ज्यादा था, तो ये भी हमारे लिए एक तरह का नेगेटिव पॉइंट था। आईपीओ का जो अभी फिलहाल जीएमपी चल रहा है वो चल रहा है 83.72%। तो जैसा मैं हमेशा कहती हूँ कि एसएमई आईपीओ जो होते हैं वो हायर रिस्क वाले आईपीओ कहे जाते हैं। तो अगर आप बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, 0% लेना चाहते हैं, तो ही किसी एसएमई आईपीओ में अप्लाई करें जब उस आईपीओ का जीएमपी 100% से ज़्यादा हो, एंड उसके साथ साथ उस कंपनी के फाइनेंशियल एंड केपीआई फैक्टर भी, सारी जो कंडीशन है वो पॉजिटिव में हो। पर अगर किसी भी आईपीओ का जीएमपी 60 से 100% के बीच में होता है, तो उसमें जो रिस्क फैक्टर होता है वो कितना होता है, 20 से 30% का रिस्क फैक्टर लेके चलते हैं। तो अभी फिलहाल जो इस आईपीओ का जीएमपी वो कितना है, 83.72%, यानी 60 से 100% के बीच में है। तो ये जो 20 से 30% का रिस्क फैक्टर इसलिए होता है क्योंकि जब आईपीओ क्लोज होता है और जब आईपीओ लिस्टेड होता है, उसमें जो डेज में का डिफरेंस होता है वो कई बार काफ़ी ज़्यादा हो जाता है।
वो इस बीच हो सकता है कि मार्केट डाउन चला जाए या कंपनी के रिगार्डिंग कोई ऐसी न्यूज़ आ जाए जिससे उसका नेगेटिव इफेक्ट डायरेक्ट उस कंपनी और आईपीओ पे पड़े। तो ऐसे में जिस भी आईपीओ का जीएमपी 60 से 100% के बीच में है और जब आईपीओ लिस्टेड हो रहा है उस समय मार्केट कंडीशन डाउन चल रही हो तो वो आईपीओ का जीएमपी काफ़ी ज़्यादा गिर सकता है। हो सकता है वो नेगेटिव पे भी लिस्टेड हो जाए। तो जो 20 से 30% का रिस्क है वो डिपेंड करता है कि जब आईपीओ लिस्टेड हो रहा है उस समय मार्केट कंडीशन कैसी चल रही है। पर अगर मान लीजिए जब आईपीओ लिस्टेड होने वाला है उस समय मार्केट कंडीशन अच्छी चल रही है, जीएमपी वगैरह 60 से 80% के बीच में, 100% के बीच में है, फाइनेंस के पे फैक्टर सब पॉजिटिव पॉइंट में, तो वो आईपीओ आपको काफ़ी अच्छा लिस्टिंग गेन दे सकता है। तो वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम वो रिस्क उठाना चाहते हैं या फिर नहीं चाहते हैं। तो अब मैंने अपना जो डिसीजन है वो बना लिया है। इसका जो जीएमपी वो है 83.72%। इसमें जो रिस्क फैक्टर है वो भी है कि एक तो डेब्ट टू क्रेडिट रेशियो 1 से ज़्यादा है और साथ साथ इसमें जो रिटर्न ऑन इक्विटी है वो 15% से कम है। तो इसमें जो रिस्क फैक्टर मैं मान के चलूंगी वो 30 से 40% के आसपास का रिस्क फैक्टर है। ये काफ़ी ज़्यादा हाई है रिस्क फैक्टर है। पर जैसे कि बहुत सारे लोग अगर आप रिस्क नहीं लोगे तो आपको जो अलॉटमेंट होने के चांसेस भी कम हो जाएंगे और आपको प्रॉफिट होने के चांस भी कम रहेंगे। तो ऐसे में जो ये रिस्क है मैं उठाने के लिए तैयार हूँ, पर आप तभी अप्लाई करना जब आइए 30 से 40% का रिस्क फैक्टर उठा सकते हो, अदरवाइज अप्लाई मत करना। क्योंकि हर कोई अपने अपने रिस्क के हिसाब से ही आईपीओ में अप्लाई करता है। तो मैंने आपको रिस्क फैक्टर बता दिया है, अगर आप वो रिस्क फैक्टर उठा सकते हैं तो अप्लाई कीजिए, अदरवाइज नहीं मत कीजिएगा। तो मैं ये रिस्क फैक्टर उठाने के लिए तैयार हूँ, इसलिए मैं इस आईपीओ में अप्लाई करने जा रही हूँ। तो मैंने आपको मेरा डिसीजन बता दिया है। तो मैं आज की वीडियो यहीं पे समाप्त करती हूँ। पर इस वीडियो को समाप्त करने से पहले, जैसे कि आईपीओ कल तक क्लोज होने वाला है, अगर मान लीजिए कल तक इस आईपीओ का जीएमपी 100% से डाउन ऊपर चला जाए या फिर और भी कम हो जाता है, तो ऐसे में मैंने जो अपना डिसीजन लिया है इस आईपीओ में अप्लाई करने का, उसको मुझे चेंज करने की रिक्वायरमेंट आती है तो मैं आपको उसकी एक अपडेटेड वीडियो लेकर आऊँगी। पर तभी लेकर आऊँगी जब मैंने डिसीजन लिया है उसे मुझे चेंज करना होगा। तो उस अपडेटेड वीडियो को देखने के लिए क्या कीजिए, हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें ताकि जब भी मैं किसी के आईपीओ के लिए कोई भी अपडेटेड वीडियो लेकर आऊँ तो आप उन वीडियो से अपडेटेड रह सके और आपको सही से सही आईपीओ में अप्लाई करने के डिसीजन में हेल्प मिल सके। तो आज की वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करती हूँ। आई होप आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।